यार सुबह उठा मैं, मेरी ना तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है। पता दिक्कत क्या हुई है? मैं रात को लेट नाइट जूस पी लिया मैंने। मम्मी ने मना भी किया था, बस पता नहीं क्यों पी लिया मैंने। मेरे को लग भी रहा था दिक्कत हो जाती है मेरे को रात को, ठंडा होता है ना। कुछ काम है वो निपटाने हैं, उसके बाद देखता हूँ। अभी मैं नहाऊंगा नहीं, मैं सोच रहा हूँ शाम को ही नहाऊंगा इकट्ठा। अभी हालत नहीं है इतनी सही। मैं घर से बाहर तो निकल गया हूँ, अब जो भी काम करने हैं वो काम निपटा के फिर चलूँ घर पे। जो मैंने रात को पहनना है वो भी मैंने प्रेस के लिए दे दिया भैया को, यही काम करके आया हूँ अभी यार। एक दो काम और करने हैं, वो भी करने के बाद फिर चलूंगा घर पे। और तबीयत अब थोड़ी ठीक सी लग रही है मेरे को, शरीर में गर्मी सी आई ना तो जाके ठीक सी लग रही है। जितने मोटे कपड़े मैंने पाए हुए ना, अभी अंदर इतनी गर्मी लग रही है, बुरा हाल हो गया मेरा। तो भाई मैं पहुंच गया मामू के घर। वो आ रहे हैं, देखो मामू वो खड़े हैं ना, वो खड़े हैं ना भाई। मैं आ गया हूँ कपड़े लेने के लिए, मामू को भी ले लिया। अब एक जगह पे जाना है और मामू का भी एक जरूरी काम करना है। दीदी हो गया, मैं अपने कपड़े लेने के लिए, जैसे मैंने पकड़े वो गिर गए। मैंने कहा दोबारा कर दो भाई, चलते हैं फिर। अब हम एक दो काम और निपटाने हैं। अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है यार इतने कपड़े डालने के बाद। मतलब ज़्यादा ठंड लगी थी मेरे को, गालियाँ दे रहे हैं गाड़ी में बैठ के कि तेरे को किसने बोला था, कहे फुफड़ ने कहा जूस पीन ली। मैं कहा भाई अब पी लिया तो पी लिया, आप भी तो रोज़ साग खाने रहने हो। आज के शादी में हम ये पहनेंगे, अब फाड़ लो यार मेरे तो कौन फड़ूगा। और मामू ने लैके थोनू लैके जाना है मामू, मैं पहला कहता तुझे जाना है ना यार, इन्हें ठंड से शेव खून के अबे शेव दी कोई आज नहीं, इद्दा ही चलला तू। मामू मैं ना बीमार पै रहा, तो 3 दिन हो गए साग खवान दे, कर दे नु साग खवान दे रोज साग। मैं आज कल साग खत्म कर रहा, 2 दिन तो साग खा रहे, साग ही चली जांदा है रात भी साग, आज फिर साग खा के आया सवेरे सवेरे। वीरे साग ही नहीं मुकदा साडे घरे, एक बार बन जाए तो सही, बन जाए 2-3 दिन ओ नहीं जांदा, 2-3 दिन मामू हफ्ता नहीं जांदा यार। साडे घर तो अचार मंगू चलदा है, हमने अब घर पे ड्रॉप किया है मम्मी को। अब हम निकल रहे हैं अपने काम करने के लिए, जो बहुत जरूरी काम है, क्योंकि भाई कल जाना है पिंड। हम सवेरे निकल लेंगे, सवेरे जाना, हाँ सवेरे निकलना। तो चलो चलो भाई निकलते हैं अब मामू को ड्रॉप करके, ठीक है। सारा काम निपटाने के बाद, मामू को ड्रॉप करने के बाद मैं जा रहा हूँ घर पे, क्योंकि घर पे नहा धो के तैयार होना है। तैयार होने के बाद हमने निकलना है शादी पे। मैंने आज राजेश को बोला मैं भाई तैयार हो जाओ, अकेला तो नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि दूर बहुत है शादी। तो मैंने कहा भाई तैयार हो जाओ, तेरे को रास्ते से पिक कर लूँगा मैं। कह रहा ठीक है भाई, चल। अभी घर पे आया था, अभी एक और काम के लिए जाना पड़ेगा मम्मी को लेके, उसके बाद आने के बाद फिर शादी पे जाता हूँ तैयार होकर। और देख लो नहाया भी नहीं मैं अभी तक। ये टाइम ना यार बहुत ही खतरनाक टाइम है निकलने का, सच में इतना ज़्यादा जाम होता है ना। और मेरे सामने ये चोटा लगा दिया, ये चल भी चींटी की चाल से रहा है। 15 मिनट हो गए इसी रोड पे खड़े हुए भाई, बहुत जाम है यार। ये ऑफिस गोइंग है ना, अभी ऑफिस का टाइम है सारा, बहुत मुश्किल होता है यार निकलना। ले निकल भाई, धीरे धीरे चल रहा है, मेरे को जाना भी लेफ्ट है इसीलिए इसके पीछे लगा रखी है। तू बीच में आ जा, तू आ जा, आ जा बीच में, आ जा आ जा आ जा आ जा। अब फ्री हूँ 8:15, अभी भी घर पे गेस्ट आ रखे हैं यार, तो मैं यार कैसे निकलूँ, निकलने में इतना लेट हो गया। अभी जाके नहाया हूँ मैं, नहा के अभी निकल रहा हूँ बस फटाफट। लेट हो गया मैं बहुत ज़्यादा, इन्ना दी वजह से मेरी वजह से थोड़ा जिम्मेवार है मैं, कोई नहीं मामू की वजह से लेट होया। मेरी वजह से मैं दस रहा थोड़ू गेस्ट लेके हूँ आगे दस यार, ये टाइम थी यार। मैं क्या मामू, मैं क्या हूँ 8:00, 8 बज गए, 8:30 भाई क्या हुआ निकला। समझ सकता ना, अगर देखेगा तो भाई समझ जाइए मैं क्यों लेट आया। फ्री हुए 7 बजे 10 बजे हजे फ्री नहीं, हजे समझ रहे ना, अभी भी फ्री नहीं हुए, अभी भी फ्री नहीं हुए, पेंडिंग है मेरा भाई। निकल गया हूँ घर से, अभी बड़का जी रस्ते में ही खड़े हुए हैं। मैंने कहा भाई खड़ा रहा है बस, आ ही रहा हूँ रोड पे ही। ओ भाई साहब ये तो ऑफिस से उठ के आया लग रहा है भाई, तू तो ऑफिस से उठ के आया लग रहा है, ऐसा लग रहा है तू तो ऑफिस से उठ के आया। चल बैठ जा जल्दी, लेट हो रहे हैं, मेरा ब्लेजर ये रहा पीछे, चल बंद कर दे। चल भाई लेट हो गए वैसे हम बहुत ज़्यादा, पता लगा कहाँ पे जाना है हमने। हाँ चल फिर डगा लगा ले फटाफट। चलो भाई अब निकल रहे हैं हम भाई, पहुँच गया, थोड़ी दूरी पे था लेकिन पहुँच गए। भाई मेरा कोट तो दे दे भाई, कोट तो भाई तू मुझे इसलिए लाया मैं पहना देता हूं तेरे को। एक मिनट हां पहनाइयो, पहना दे जल्दी, पहना दे भाई पहना दे। चलो भाई चश्मा बहुत बढ़िया लग रहा है, इसका चश्मा अच्छा लग रहा है, बता दे रहा कमेंट करके। मैंने इसलिए पूछ रहा क्योंकि मेरे को दिखा कर खोल दूंगा, दिखाई नहीं देगा मेरे को। अच्छा समझ गया ना, अगर इसने खोल दिया तो इसको दिखाई नहीं देगा क्या खा रहा है, कहां टक्कर मार रहा है भाई। सिरा सिरा बस निकल रहे हैं अभी यहां से, चल ठीक है। सिरा था भाई सिरा, मेरे को जाना दूर है वरना मैं इतनी जल्दी निकलता नहीं, अपने जाना दूर है, इतने तो नज़दीक ही जाना है, फिर भी मेरे को दूर जाना है।
हर बार ये नजदीक जाता है, हर बार मैं दूर जाता हूँ। आज मेरे को दूर जाना है यार, कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा, ये गाना चल रहा है पीछे। नहीं नहीं हम भी तो बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं साथ साथ में, इसलिए कॉपीराइट नहीं आएगा ब्रो। तो भाई ठीक है, अब इसको भी उतार रहा हूँ मैं भाई, मिल जाए अगर आज ही हो। अब तो पता नहीं भाई मैं भी इसको कब मिलूंगा, मैं भी निकल रहा हूँ कल पिंड। आज बढ़िया रही ना शादी? सही रही। ओके रिपोर्ट। ओ भाई धुंध कितनी हो रखी है रास्ते में यार, चंडीगढ़ में नहीं इतनी धुंध, लेकिन इधर मोहाली साइड हो रखी है बहुत धुंध। चलो निकल गया हूँ भाई, उसको ड्रॉप कर दिया मैंने राजेश को, बस अब निकल रहा हूँ घर की तरफ। पहुँच के वहाँ पे व्लॉग का एंड करते हैं। ठीक है भाई, घर पे पहुँच गया था मैं, बस एडिटिंग के लिए बैठा हूँ। टाइम 1 बज गया। आज शादी भी अच्छी रही, बस आज का दिन सारा हैक्टिक सा रहा। सुबह तभी थोड़ी ख़राब लग रही थी, लेकिन अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने पानी गर्म पीना स्टार्ट कर दिया तो ठीक लग रहा है। अगर किसी को भी तबीयत ऐसे लगे तो सर्दियों में गर्म पानी पीना स्टार्ट कर देना, मेरी तरह सही रहेगा, मेरे को भी सही लग रहा है। तो चलो व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। कल तो पिंड में भी जाना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा। अब मैं सुबह की जगह लेट हो गया हूँ ना, थोड़ी आराम से जाऊँगा पिंड, ठीक है। वहाँ पर फिर गा पाएंगे फिर।